आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आपको ग्रीन टी को पीना चाहिए, और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से आप पतले ही नहीं होते हो, कैसे ग्रीन टी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इंक्रीज होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा। मेरे चैनल पे मैं पोस्ट करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, शॉपिंग, ट्रैवल, टूर रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले कुछ सालों में ग्रीन टी हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। पहले तो ग्रीन टी कुछ लिमिटेड लोग ही पीते थे, लेकिन आजकल लगभग हर कोई ग्रीन टी पी रहा है। और उसका मेन कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है अगर हम रेगुलर ग्रीन टी पियेंगे तो हम स्लिम हो जाएंगे, और जो लोग थोड़े से हेल्दी है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है ग्रीन टी पीने का, ताकि आपको जल्द से जल्द फ़ायदा मिले, जल्द से जल्द आपका जो मोटापा है वो घट जाए। सो गाइज, ग्रीन टी के फ़ायदे और इसके इस्तेमाल जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ग्रीन टी के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी भी ग्रीन टी को आपको पानी में उबालना नहीं चाहिए। अगर आप ग्रीन टी को पानी में उबालते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कभी भी आप ग्रीन टी को मेडिसिन खाने के बाद मत पिया कीजिए। इससे आपके शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ती है, घटती नहीं है। तो मेडिसिन लेने के बाद आपको ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। नंबर तीन, कभी भी आपको खाली पेट सुबह उठ के ही ग्रीन टी को नहीं पीना चाहिए। कुछ कुछ लोग ये करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके शरीर में एसिड का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। नंबर चार, कभी भी आप दिन में दो से तीन बार से ज़्यादा ग्रीन टी का सेवन ना करें। सारा दिन में आपको दो से तीन बार ही ग्रीन टी को पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। नंबर पाँच, जो विमेंस प्रेग्नेंट है उनको ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन और टॉनिक एसिड रहता है जो आपके शरीर के लिए सेफ़ नहीं है। सो ग्रीन टी इज़ नॉट फॉर प्रेग्नेंट वेमेन। छठी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, रात को आपने डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद आपको ग्रीन टी कभी नहीं पीना चाहिए। इससे आपकी जो नींद है वो दूर भाग जाती है, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो इंसोमैनिया को बढ़ावा देती है। तो डिनर करने के बाद आपको कभी भी ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, दोपहर में आपने लंच करने के बाद ही ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप दोपहर में ग्रीन टी पी सकते हैं, ये सेफ़ समय है ग्रीन टी को पीने का, लेकिन लंच करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है और उसके बाद ही आपको ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। और लास्ट और एक बात जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आप ग्रीन टी किसी बेनिफिट के लिए पी रहे हैं तो आपको खाली पेट कभी भी ग्रीन टी को नहीं पीना चाहिए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, या फिर चाहे वो इवनिंग में हो। कुछ खा लेना है आपको, खाने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करना है और उसके बाद ही आपको ग्रीन टी का सेवन करना है। ग्रीन टी को बनाने के लिए किसी बर्तन में सबसे पहले पानी को उबाल लीजिए, उसके बाद पानी को किसी और एक कप में या फिर केतली में डाल दीजिए और उसके अंदर आप ग्रीन टी के जो पत्ते हैं उनको डाल दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट रखना जब हो जाए उसके बाद पानी को छांग लीजिए, पत्ते से अलग कर दीजिए और वही वाला पानी आप पी लीजिए। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है, तो इसके लिए आपको ग्रीन टी को हर दिन पीना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है, आप सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट वेट करके ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर दोपहर के लंच के बाद 5 से 10 मिनट वेट करके आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। कैसे करना है, पानी को उबाल देना है और पानी में आप 1-2 टुकड़े जिंजर मतलब अदरक का डाल दीजिए, और उसके बाद जब पानी उबल जाए, हल्के हल्के उबलते हुए पानी को आपको किसी भी जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसमें ग्रीन टी के पत्ते को डाल के आपको 5 से 7 मिनट रख देना है, और 5 से 7 मिनट बाद पानी को छान के आपको पी लेना है। इस तरह अगर आप हर दिन एटलीस्ट 2 बार ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो आपका जो वेट है वो धीरे धीरे घट जाएगा।
सो गाइस, ग्रीन टी जो है वो हेल्प करता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, और ये बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए। जापान में एक स्टडी में ये देखा गया है जो लोग हर दिन ग्रीन टी पीते हैं उनमें से 42% लोग जो है उनमें डायबिटीज़ होने की जो संभावना थी वो बहुत कम थी। इसीलिए अगर आप हर दिन ग्रीन टी पीते हैं तो आपके शरीर में डायबिटीज़ की जो संभावना है वो धीरे धीरे घट जाती है। 2011 में एक स्टडी पब्लिश किया गया था जहाँ पे ये कहा गया है कि जो लोग ग्रीन टी का डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या फिर कैप्सूल के फॉर्म में ग्रीन टी लेते हैं, उनके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बड़ी आसानी से निकल जाती है और उनका शरीर जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मुक्त रहता है। तो इसीलिए अगर आपके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप भी हर दिन ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं और इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा है वो घटता है। सो देयर आर मेनी विटामिन्स इन ग्रीन टी, और उनमें से कुछ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, और ग्रीन टी में बहुत सारे हेल्दी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। उनमें है मैंगनीज, जिंक एंड क्रोमियम। सो ग्रीन टी न्यूट्रिशन फैक्ट्स के हिसाब से ग्रीन टी में 99.5% वाटर रहता है, तो इसीलिए आपको ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो कभी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो एक कप ग्रीन टी पी लीजिए, आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो तुरंत घट जाएगा। और अगर आपको वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। हम हर दिन शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को इंक्लूड करते हैं और वो भी बैड टॉक्सिन्स, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे चारों ओर जो पोल्यूशन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हम जब सांस लेते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें जम जाते हैं। तो इनको बाहर निकालने के लिए आप हर दिन ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी पीने से आपके शरीर में से ये जो सारे बैड टॉक्सिन्स है ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और इससे आपको जो आपका जो स्किन है वो अच्छा रहता है, और आपको स्किन का अलग से केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि आपका जो स्किन है वो नेचुरली हेल्दी होता है। और ग्रीन टी ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन रखता है और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म का बढ़ावा देता है। और अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, मतलब सांस आपकी अच्छी नहीं है, मतलब खुशबू नहीं आती है सांसों में से, बदबू निकलती है, तो उसके लिए भी आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको हजम की प्रॉब्लम है, मतलब आप स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं, कुछ भी स्पाइसी खाना आपने खा लिया और उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसे भी लड़ने के लिए ग्रीन टी पी सकते हैं आप। इसीलिए तो ग्रीन टी का नाम दिया गया है ना हेल्दी ब्रेवरेज, तो है ना ग्रीन टी के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे। तो इसीलिए आपको भी अपने डेली ड्रिंकिंग ब्रेवरेज में ग्रीन टी को इंक्लूड कर लेना चाहिए क्योंकि ये है एक हेल्दी ब्रेवरेज। ये था मेरा आज का वीडियो ग्रीन टी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ अब से आप लोग सही तरीके से ग्रीन टी को पियोगे और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप भी चाह रहे हो पतला होना, अगर आप भी चाह रहे हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करना, तो डेफिनेटली ग्रीन टी को अपने डाइट चार्ट में, अपने जो ड्रिंक आप पी रहे हो उस पर डेफिनेटली इंक्लूड करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।